पवन गायब हो गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौलालगंज से प्रत्याशी आर के चौधरी जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, आज आप नामांकन करने जा रहे हैं? भैया सही है, नामांकन करने जा रहे हैं, नामांकन करेंगे। किन मुद्दों के साथ आप इस बार क्षेत्र में जाएंगे, क्योंकि आपके सामने एक बड़ी चुनौती है? मौलालगंज से सांसद केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर मंत्री हैं, इसलिए तो हमारी लहर बन रही है। आपने देखा होगा ना, कौशल किशोर भी नामांकन करने आए थे, हम भी नामांकन करने आए हैं। तो जिस तरह से बिना इंतजाम किए जनता अपने आप तैयार है, आगे बढ़ रही है, तो निश्चित तौर पे बिजली पानी सड़क अधूरी आर के चौधरी करेंगे पूरी, ये जनता में विश्वास है। और तभी अपने आप चल पड़ते हैं लोग। और हमें लगता है मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक पोलिंग बूथ पे, प्रत्येक सेक्टर पे, प्रत्येक जोन पे यही लहर है। लेकिन कौशल किशोर कह रहे हैं हम तीसरी बार फिर जीत के जाएंगे मोदी की गारंटी पर, और जो विपक्ष का ये चेहरा है कहीं ना कहीं इस बार जमानत भी नहीं बचा पाएगा। भाई देखो, वो कैंडिडेट हैं, उन्हें कहना चाहिए, उनको अपनी बात करनी चाहिए, हमको अपनी बात करनी चाहिए। लेकिन जो आप देख रहे हैं वो तो आप छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं, दिखा सकते हैं ना, जनता का रुझान किधर है ये सबको दिखता है। कौशल क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, ये उतना मायने नहीं रखता जितनी आम जनता कहती है, वोटर कहते हैं, उनकी बात मानिए। क्या लगा इस बार आप हरा लेंगे कौशल किशोर? मानो कौशल किशोर ने पूरा देश में बीजेपी सरकार गिरेगी, इंडिया लाइन सरकार बनेगी। ये तो मौलालगंज से प्रत्याशी आपके चौधरी जी ने साफ तौर बता दिया है, हम दोनों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। नामांकन करने के बाद एनडीए गठबंधन सामने, इंडिया गठबंधन दोनों प्रत्याशी रेस में होंगे। अब देखने वाली बात होगी किसके सिर पर जीत का सहारा बनेगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ एनटीवी न्यूज़ फैक्ट चेक, समीर खान, लखनऊ। देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।